दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर टिस नेट 2019 के इस पार्ट 11 में। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ एनवायरनमेंट सेक्शन को। गाइस ये एक बहुत ही डायनेमिक सेक्शन है, यहाँ से अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, राइट फ्रॉम द वेरी बेसिक क्वेश्चंस टू द क्वेश्चंस फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रीटीज कन्वेंशंस। तो बहुत ही एक लार्ज वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस एरियाज को ये कवर अप करता है। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। सो गाइस पहला पॉइंट मेंशन करता है अबाउट द ग्लोबल, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। बहुत ही इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज द इम्पैक्ट ऑफ ईच गैस ऑन द ग्लोब ऑन ग्लोबल वार्मिंग। एंड गाइज इसको हम मेजर करते हैं, इट इज मेजर इन टर्म्स ऑफ द टोटल एनर्जी दैट अ गैस कैन एब्जॉर्ब ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के विद रिस्पेक्ट टू एज अ स्टैंडर्ड इसको कैलकुलेट करते हैं कि एक गैस कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती है। डिफरेंट गाइज जो गैसेज हैं, राइट फ्रॉम CH4 टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अलग अलग गैसेज के अलग अलग ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल हैं। एंड गाइज उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो गाइज ये बात करता है कार्बन फुटप्रिंट्स के बारे में। गाइज कार्बन फुटप्रिंट इज द टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। AMT here refers to amount and GHG here refers to greenhouse gases. तो गाइज ये जो कार्बन फुटप्रिंट्स हम कैलकुलेट करते हैं, वी कैन कैलकुलेट दिस फॉर अ पर्सन, रीजन, इंडस्ट्री और फॉर दैट मैटर अ कंट्री ऑल्सो। एंड गाइज इट इज, वी कैन से इट इज़ रिप्रेजेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑन द बेसिस ऑफ द गैसेस रिस्पेक्टिव ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल एंड इट इज़ ऑल्सो डिनोटेड इन टर्म्स ऑफ कार्बन एमिशन इक्विवेलेंस। एंड इसके अलावा गाइज आप इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के बारे में भी याद रखेंगे। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट होता है गाइस, ये डिनोट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ अर्थ्स रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई पर्टिकुलर लाइफस्टाइल इफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अर्थ इज सुपोज टू फॉलो द सिमिलर काइंड ऑफ लाइफस्टाइल। तो ये नंबर ऑफ अर्थ्स रिक्वायर्ड के मेजर में इसको कैलकुलेट किया जा सकता है गाइस, किया जाता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को। एंड उसके बाद चलते हैं गाइस कि मेजर सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, या गाइस बोल सकते हैं कि मेजर मतलब प्राइमरी सोर्स के कारण जो कार्बन मोनोऑक्साइड एमिट होता है वो होता है बिकॉज ऑफ द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ द हाइड्रोकार्बन। एंड उसके बाद गाइस डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर आपको पता होगा कि स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। एंड गाइस जो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर होता है दैट इज कॉज्ड बाय द क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक बहुत ही कॉमन सा सोर्स है इसकी डिप्लीशन का। एंड एग्जाम में हो सकता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन डायरेक्ट ना देकर कुछ और पूछ लिया जाए, तो आप एक याद रखेंगे फ्रियॉन करके एक काइंड ऑफ रेफ्रिजरेंट में ये यूज होता है, ये भी एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। सो इट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस ऑल्सो। एंड गाइज जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज हैं दैट आर जनरली यूज इन द कूलिंग एंड रेफ्रिजरेशन अप्लाइंसेज। एंड सी कार्बन टेट्राक्लोराइड इज ऑल्सो एन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। उसके बाद गाइज जो एसिड रेन होती है दैट प्राइमरली हैपन्स बिकॉज ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड द सल्फर डाइऑक्साइड। एंड गाइज एक ब्लू बेबी सिंड्रोम करके है डिजीज़, एंड इसमें गाइज जो इन्फेंट्स हैं उनका जो स्किन का कलर है जो वो ब्लू होना स्टार्ट हो जाता है। एंड इट इज़ कॉज्ड मेनली बाय ड्रिंकिंग वाटर हैविंग एक्सेस अमाउंट ऑफ नाइट्रेट्स। अगर नाइट्रेट्स की मात्रा ज़्यादा है, कंसनट्रेशन ज़्यादा है ड्रिंकिंग वाटर में, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो सकता है। एंड गाइज इसके अलावा एक और यहाँ पे डिजीज़ मेंशन है, ब्लैक फुट डिजीज़। सो इट इज़ कॉज्ड बाय आर्सेनिक। अब आप यहाँ पे ये मत सोचना कि मैंने इस एनवायरनमेंट के सेक्शन में डिजीज़ क्यों मेंशन की हैं। जो ये डिजीज़ मेंशन की हैं दैट इज़ डन दैट हैपन्स बिकॉज ऑफ द पॉल्यूटेंट्स। एंड उसके बाद गाइज हम चलते हैं यूट्रोफिकेशन की तरफ। यहाँ से एक बड़ा सा सिंपल डेफिनेशन से रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ यूट्रोफिकेशन। तो ये गाइज होती है इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ न्यूट्रिएंट्स और ऑर्गेनिक मैटर इन अ स्टैग्नेंट वाटर बॉडी। एंड ये जो गाइज अंडर वाटर लाइफ है उसको एडवर्सली अफेक्ट करती है क्योंकि इससे पेनिट्रेशन नहीं हो पाता लाइट का प्रॉपरली। एंड जो गाइज ऑक्सीजन है, डिजॉल्व ऑक्सीजन है, उसकी भी मात्रा कम हो जाती है। तो ये जो अंडर वाटर लाइफ है उसके लिए काफ़ी थ्रेटनिंग कॉज है गाइज।
उसके बाद चलते हैं गाइस बायोस्फीयर की तरफ. तो बायोस्फीयर क्या बोलता है गाइस, बायोस्फीयर इज द सम ऑफ ऑल द सिस्टम. एंड आपको ये याद रखना है कि इट कंसिस्ट ऑफ द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड द एटमोस्फीयर. गाइस बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा क्वेश्चन कि मोस्ट हजार्डस मेटल पॉल्यूटेंट ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट इज लेड. एंड गाइस रेड डाटा लिस्ट ऑफ थ्रेटन स्पीशीज इज रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन. तो गाइस उसका नाम है IUCN, आपने नाम सुना ही होगा. IUCN स्टैंड फॉर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर. इस रेड डाटा लिस्ट में भी आगे फर्दर कैटेगरीज होती हैं, पिंक लिस्ट, येलो लिस्ट, रेड लिस्ट, ग्रीन लिस्ट. तो ये गाइस बेस्ड होती हैं कि कोई स्पीशीज थ्रेटन्ड है या एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, तो उस बेसिस पे इनको फर्दर कैटेगराइज किया जाता है. उसके बाद गाइस एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अगेन क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि विच ऑफ द फॉलोइंग पिरामिड कैन नॉट बी इन्वर्टेड इन अ स्टेबल इकोसिस्टम. आपको पता होगा गाइस कि काफ़ी सारे पिरामिड होते हैं, पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर. तो जो पिरामिड कभी इन्वर्टेड नहीं हो सकता गाइस, उसका नाम है एनर्जी पिरामिड. गाइस जब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी ट्रांसफर होती है तो सिर्फ 10% ही नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी ट्रांसफर हो पाती है. एंड गाइस स्पीशीज हुज लॉस में रिजल्ट इन इकोसिस्टम कोलैप्स, तो उस स्पीशीज का नाम है गाइस कीस्टोन स्पीशीज. जो कीस्टोन स्पीशीज होती है गाइस डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ अदर स्पीशीज टू सर्वाइव. तो बहुत सारी अदर स्पीशीज इस स्पीशीज पे डिपेंड होती हैं. अगर ये गाइस इरेडिकेट हो जाए तो इकोसिस्टम हमारा कोलैप्स कर सकता है. सो गाइस आई विल बी बैक विद सम मोर वीडियोस. टिल देन सिट बैक, रिलैक्स एंड कीप लर्निंग. ऑल द बेस्ट.